कि सच जरूरी है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर दिल्ली में चल रही है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर सीसी की बैठक। बैठक में केशव प्रसाद मौर्य सहित कई और वरिष्ठ नेता हैं शामिल। यूपी और उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। अपने 61वें जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश सरकार ने किया यूपी को लूटने का काम और बीजेपी ने नोटबंदी से किया देश का नुकसान। उन्नाव में नन्हे बच्चों के बैग पर सीएम अखिलेश यादव के फोटो पर बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने साधा निशाना। कहा, बैग से सीएम अखिलेश कर रहे हैं प्रचार, साक्षी का प्रशासन से सवाल, क्या ये आचार संहिता का नहीं है उल्लंघन। मैनपुरी में दिखा सामंती राज, दबंगों ने राम राम नहीं कहने पर दलित परिवार पर ढाया कहर। एक दलित परिवार की झोपड़ी को किया आग के हवाले, पुलिस ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार, जांच जारी। 79वें सेना दिवस पर पीएम मोदी ने सेना के जवानों और उनके परिवारों को दी बधाई। सेनाध्यक्ष का बयान, सोशल साइट्स पर जाने की बजाय सीधा मुझसे शिकायत कर सकते हैं जवान। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहा हूं, मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को बैठक होने जा रही है। समझाया जा रहा है कि इसके बाद ही पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में करीब 150 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी 20 जनवरी तक यूपी और उत्तराखंड के उम्मीदवारों का ऐलान करना चाह रही है। पार्टी पहले से ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में पीछे चल रही है। अभी तक यूपी में सपा और बीएसपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 17 और 19 जनवरी को एक एक लिस्ट जारी करने की तैयारी में है, लेकिन चुनावी मंथन इस दरमियान लगातार जारी है। उधर मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस से लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लिया। कांग्रेस पर मायावती ने अपने 60 साल तक देश में राज करने को लेकर ताना मारा, तो केंद्र में बैठी बीजेपी पर जनता से वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी मायावती ने लगाया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में राज्य को भरपूर तरीके से लूटा गया है, ऐसे में यूपी का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मंथन हर पार्टी में हो रहा है, लेकिन अमृत किसके पाले में जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। बहन मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में आरोप लगाने से पहले इस देश के संविधान और कानून पर भरोसा रखना चाहिए। अगर वो बेगुनाह हैं तो निश्चित रूप से कानून उनका सहयोग करेगा, अगर कोई गुनाहगार है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव 15 साल का जो सपा बसपा और कांग्रेस का कुशासन है बहन मायावती जी, उन्हीं मुद्दों को लेकर है, बिजली, पानी, सड़क, सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था। ये चुनाव मोदी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पर नहीं है। जब हमारा लोकसभा का चुनाव होगा तो बहन मायावती जी, हम एक एक दिन की एक एक पाई का हिसाब किताब देंगे, लेकिन आप पूरी तरह से बौखलाहट में हैं। आपको इस बात का एहसास है कि आपकी जमीन नीचे से खिसक गई है, इसलिए हर दिन आप अनर्गल आरोप केंद्र सरकार पर लगाती हैं, क्योंकि आप नहीं चाहती कि इस देश के गरीब का उत्थान हो। मायावती जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि नोटबंदी देश के आर्थिक जगत के हित में नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो रोज़गार का हुआ है, नौजवान बेरोज़गार हुआ है, गरीब आदमी बेरोज़गार हुआ है और देश की आर्थिक प्रगति रुक गई है, जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है। ये कांग्रेस ने इस आवाज़ को उठाया था और मैं इसके पीछे एक गहरी साजिश देख रहा हूँ। इसे मैं शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला मानता हूँ। ये कैशलेस के जरिए
जिस तरीके से कार्ड प्लास्टिक कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, पेटीएम की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो आपको बता दें, आज इस मौके पर मायावती ने जमकर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है जन्मदिन के मौके पर, और अब बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, साथ ही साथ सपा पर साधा, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। मायावती ने आज ये कहा कि अखिलेश सरकार ने यूपी की जनता को अब तक लूटा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन देश को कुछ नहीं दिया है। बीजेपी पर उन्होंने लगातार ये आरोप लगाए। नोटबंदी की उन्होंने बात की कि लगातार नोटबंदी के बाद लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, सरकार ने सोच समझ कर यह फैसला नहीं लिया था। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच से आपको बता दें, चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम गहमा गहमियां लगातार जारी है, उम्मीदवारों के ऐलान की बात भी लगातार की जा रही है, एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चल रही है, प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि जैसी ये लिस्ट जारी होगी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान आज बीजेपी कर सकती है। शाम को बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक है और कहा यह जा रहा है कि उसी बैठक में ये तमाम फैसले लिए जाएंगे कि किस किस को प्रत्याशी बनाया जाएगा, किसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में आज एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जन्मदिन के मौके पर विरोधियों को लगातार घेरा है। मायावती ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर आज लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सरकार ने, यानी कि अखिलेश सरकार ने यूपी की जनता को अब तक सिर्फ लूटा है, कोई भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री का राजनीतिक स्वार्थ था, यह एक आरोप मायावती ने फिर से लगाया है, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें लगातार वह आरोप लगाती रही हैं और बार बार ये कहती रही हैं कि नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है। सवाल अब इस बात को लेकर भी उठता है कि जिस तरीके से आरोप मायावती ने लगाए हैं कि नोटबंदी के बाद से लगातार देश में दिक्कतें बढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को बिल्कुल भी अब मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बाद से जो हालात बने थे धरातल पर वो सबके सामने हैं, दिक्कतें सभी ने झेली हैं। लेकिन सवाल उस दरमियान ये भी उठा कि क्या चुनाव में इससे बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि विरोधी लगातार इसे एक मुद्दा भी बना रहे हैं चुनाव में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी से ही हम देख पा रहे हैं कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे रैली हो, चाहे मीडिया में कोई भी बयान हो, नोटबंदी का जो मुद्दा है वो लगातार छाया रहता है। कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है मायावती ने आज, उन्होंने कहा कि 60 साल तक सिर्फ देश को लूटा गया है, काम बिल्कुल भी नहीं किया है। जन्मदिन सादगी से मैं मनाऊंगी, उन्होंने ये कहा है हर बार की तरह इस बार भी। लेकिन अब सवाल इन तमाम सवालों के बीच में उठता है कि आखिर आज जो महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के है प्रत्याशियों को लेकर, अब सवाल यह उठता है कि क्या कुछ बीजेपी नेताओं के जहन में चल रहा होगा कि इन्हें टिकट दिया जाएगा। और हम अक्सर ये देखते हैं कि लगातार जो विरोध भरे सुर हैं वो भी सामने आते हैं, अंदरूनी कलह सामने आती है, क्योंकि जो टिकट की आस लगाए बैठे रहते हैं उन्हें अगर टिकट नहीं मिलता है तो इसके बाद से लगातार बगावत भी सामने आती है। देखना यह दिलचस्प होगा कि किन किन को टिकट दिया जाता है, क्या उन्हीं सभी लोगों को टिकट दिया जाता है जो लगातार दावेदारियां कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। तो मायावती ने एक बार फिर से आपको बता दें आज नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने यूपी की जनता को सिर्फ आज तक लूटा है। चर्चा को शुरू करेंगे, खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ स्टूडियो से। सबसे पहले आपका परिचय उनसे मैं करवा दूं, कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है कृष्णकांत पांडे जी। दिलीप श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है दिलीप साहब कार्यक्रम में। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आप ही के पास आऊंगा चर्चा की शुरुआत करने के लिए। दिलीप श्रीवास्तव जी, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, और प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने की जो तमाम कवायद अभी चल रही है, एक महत्वपूर्ण आज बैठक होनी है दिल्ली में, उसको लेकर क्या कुछ ध्यान में रखा गया है, क्या कुछ बीजेपी ने रणनीति बनाई है चुनाव से पहले, किन किन लोगों को टिकट दिया जाएगा इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जंगल राज व्याप्त है,
चारों ओर जनता त्रस्त है इन और विकास सुशासन जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। जिस प्रकार से लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, ना उत्तर प्रदेश की जनता बुंदेलखंड बलात्कार कांड, बदायूं बलात्कार कांड, चाहे मोहनलालगंज का हो, जो है दंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दंगे हुए, इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है और जनमानस उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे यहाँ ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, हम लोगों की तैयारी पूरी है, चुनावी समर में हम लोग आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, जनता ने स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। यानी विकास का मुद्दा गायब है? नहीं, मैंने आपसे कहा सुशासन और विकास का मुद्दा है, जनहित से जुड़े हुए हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की नजर है और भारतीय जनता पार्टी की मुद्दे तो ये हमेशा से एक थीम रही है कि वो विकास के मुद्दे पर हर बार चुनाव लड़ती रही है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे लड़ती है, जनता जैसा जनादेश देती है। इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह का शासन है ये सभी ने देखा, इतनी इन लोगों की लड़ाई में, पिता पुत्र की लड़ाई में पिस तो जनता रही है, कहां पे सुशासन है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पिट रही है, लगभग 1045 बार पुलिस पिटी, प्रतापगढ़ का सीओ हत्याकांड, क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? जनता तो आज ही जा चुकी है इनके भी शासन से और बीएसपी के भी शासन से, बीएसपी के सरकार के शासन से लगभग 16% इजाफा हुआ है अपराध में, तो इस समय तो प्रमुख मुद्दा है अपराध और आधे अधूरे कार्यों का लोकार्पण करके अगर मुख्यमंत्री जी दिखाना चाहे कि वो विकास के रूप में है, तो ये जो तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं उन पर रोक लगेगी। बिल्कुल ना, क्योंकि मध्य प्रदेश का उदाहरण हम सबके सामने है, भ्रष्टाचार रहेगा भारतीय जनता पार्टी। देखिए उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी का शासन सबको याद है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रही, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहा, जेल के सलाखों के पीछे जी। आप प्रदीप सिंह पप्पू साहब, सरकार ने आखिर किया क्या इन 4.5-5 सालों में? कानून व्यवस्था का मुद्दा जस का तस है, भ्रष्टाचार का मुद्दा जस का तस है। देखिए शंकर जी, कम से कम इन 5 सालों में चुनाव में जाने की जहां तक बात, तो हम विकास के नाम पर जा रहे हैं, सरकार ने विकास के बहुत काम किए हैं। अगर आप विकास की गिनती हम कराने लगेंगे जी, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जहां पे 3-3 जिलों चल रही है, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जहां सिंचाई भी मुफ्त है, पढ़ाई भी मुफ्त है, दवाई भी मुफ्त है जी। सबसे कम समय में अगर कोई एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है तो उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे उदाहरण है ये, एक्सप्रेस वे हम लोग बना रहे हैं, जो देश भर के देशों में भी इसकी चर्चा है, एक ऐसी योजना है जो कम से कम 100 नंबर डायल हो जाती है, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उसके नाम पे, विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव में जा रही है। विकास की बात की, कम से कम 2.5 साल में केंद्र सरकार ने विकास के कौन से काम किए हैं उसकी भी गिनती बतानी चाहिए। 2.5 सालों में जो भी इनकी योजनाएं रही हो जी, चाहे वो जनधन योजना हुई हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया का योजना रही हो, चाहे वो स्टैंडअप इंडिया की योजना रही हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान रहा हो, जिस भी योजना की बात करें उस योजना की क्या असर हुआ है इसको हर आदमी जानता है। स्टार्टअप इंडिया योजना बड़ी इन्होंने जोर शोर से शुरू की है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत बेरोजगारों को, जो इनका इनका भाव था कि बेरोजगारों को केंद्र बैंक लोन देगा और कम से कम 100 रोजगार उनको मिलेगा, लेकिन कोई भी बैंक बिना कुछ उसका गिरवी रखे नहीं देता है। तो कम से कम ऐसी तमाम चीजें हैं जिस पे केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि आपने योजना तो शुरू कर दी, निश्चित रूप से योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उस योजना का जो क्रियान्वयन हो रहा है वो किस हद तक हो रहा है, तो जनहित की कोई योजना नहीं आई है। हाँ ये है कि इन्होंने ऐसा काम किया है जिससे स्ट्राइक कर दिया, जो पहले भी होती है, आज भी करती है, नोटबंदी पहले ही होती थी आज भी करते हैं इन्होंने, लेकिन उसको ऐसा बताया कि जो नोटबंदी के पक्ष में है वो देशभक्त है, जो नोटबंदी के विपक्ष में है वो देशद्रोही है।
इतिहास है। 110 लोग, ठीक है सर। कृष्णकांत पांडे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। कृष्णकांत जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से दिलीप श्रीवास्तव साहब ने कहा कि वाकई उत्तर प्रदेश में इन तमाम चीजों की कमी है, खासतौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, और जिस तरीके से प्रदीप सिंह बब्बू साहब कह रहे हैं कि सरकार ने वो तमाम योजनाएं लाई हैं और जनता को इसका फायदा मिला है, सच्चाई आपको नजर आती है दोनों की बातों में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने भी जिस तरह से बताया कि सारी योजनाएं जिस तरह से है, क्राइम और सारी चीजें, और कुछ काम नहीं हुआ। आगरा एक्सप्रेस हाईवे का काम हुआ है, यह सब लोग देख रहे हैं। मेट्रो लखनऊ में शुरुआत के कगार पे, शुरू तो नहीं कहेंगे, शुरुआत के कगार पे। और साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमारी नेता शीला दीक्षित जी 124 किलोमीटर, गाजियाबाद और नोएडा में इसके बहुत नहीं, सर ये बताइए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया या नहीं किया है कांग्रेस के नजरिए से आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी के शासन काल में इनकी कानून व्यवस्था जी, कानून व्यवस्था पे खड़ा कर सकते हैं। बाकी सरकारें काम करने के लिए ही होती है, किसी की भी सरकार होगी काम तो करना पड़ेगा, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है। मायावती जी की प्रेस आप दिखा रहे थे, मायावती जी की प्रेस हमने देखा, मायावती जी ने कहा कांग्रेस 60 साल में कुछ नहीं की। मैं सिर्फ मायावती जी को आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आज वह जिस कुर्सी पर बैठ के बात करने की स्थिति में है, यही सबसे बड़ा 60 साल में कांग्रेस की देन है। वरना मायावती जी इस जगह पे बैठ के बात करने की स्थिति में 60 साल पहले नहीं थे लोग। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा काम है। यह उसी तरह, और इनके 5 साल का, ये अभी सपा की बात कर रही थी, इसके बाद कह रही थी कि भ्रष्टाचार ही हो, समझ में बात नहीं आती है कि भ्रष्टाचार का नाम लेने में मायावती जैसे राजनेताओं की जबान कांप जाती है या नहीं। इनके 5 साल के शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुआ, आज भी प्रदीप शुक्ला कृष्णकांत पांडे जी, एक ब्रेक के लिए मुझे आज भी यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद सर आपके पास लौटूंगा और चर्चा की यहीं से शुरुआत करूंगा कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मायावती ने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि 60 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को लूटा गया है, इसी के सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। दोबारा दादी बनने का तो बड़ा शौक है, पर माँ की सेहत अच्छी होगी तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी दादी की गोद में शरारत करेंगे। बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे और जी भर के शरारत करने का मौका देंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान। माँ और बच्चों की सेहत प्लान कीजिए, बच्चों में 3 साल का अंतर रखिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार, जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। वोटर का मूड जानने के लिए प्राइम न्यूज पहुंची है उत्तर प्रदेश के शहर गाजीपुर में। क्या लगता है कांग्रेस का वनवास खत्म हो जाएगा? वो तो कहीं से नहीं लगता, कांग्रेस पार्टी की इस बार सरकार बनेगी। दावे खूब किए जाते हैं, वादे भी खूब किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही उन सबको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी जो है, ये जंगल राज। विकास का पहिया पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। केवल जुमला से ये देश नहीं चलता है। रेलवे की लाइन अच्छी है, बाकी कोई सड़क अच्छी नहीं है। गाजीपुर के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? बीजेपी की फुल फेज गवर्नमेंट है, समाजवादी जाएगी और सेकुलर अच्छी सरकार है। गाजीपुर से देखिए पोल वोटर बोल आज शाम 5:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। सरकार से सरोकार तक, राजनीतिक अस्थिरता से सत्ता, सियासत और संग्राम तक, उत्तराखंड की खबरों का पूरा ब्यौरा देखिए मेरो पहाड़ रोजाना 9:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जन्मदिन पर मायावती ने जमकर निशाना साधा है, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने यूपी की जनता को अब तक सिर्फ लूटा है, विकास यहां पर नहीं हुआ है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत मैं करूंगा कृष्णकांत पांडे जी। ब्रेक से पहले जाने के बाद मैंने सवाल आपसे किया था और जिक्र आपने भी किया, जिस तरीके से मायावती ने आज निशाना साधा कांग्रेस पर,
लेकिन खास बात इसी में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, मायावती ने कहा कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, यानी कि कांग्रेस किसी काम की अब नहीं रह गई है। तो चलिए दोबारा से संपर्क हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चुनाव से पहले मायावती अब विरोध भरे सुर अख्तियार कर रही हैं और आज उन्होंने खास तौर पर निशाने पर लिया है तमाम पार्टियों को, कांग्रेस को साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर कांग्रेस है, यानी कि कांग्रेस अब किसी काम की नहीं रह गई है। नोटबंदी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला लिया है उससे लगातार लोगों को नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा अखिलेश सरकार ने यूपी की जनता को अब तक सिर्फ लूटा है। साथ ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर चुनाव फिक्सिंग का आरोप लगाया मायावती ने और यह कहा कि वोटों की सियासत के लिए सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। तो ये तमाम आज आरोप मायावती ने लगाए हैं, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार हम देख पा रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपको ज्यादा ही तेज हो चली है। हालांकि कांग्रेस इस पर पूरी तरीके से सफाई देती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर भी लगातार उठ रहा है कि मायावती के इन आरोपों में आखिर कितना दम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि काम हमने किया है, सरकार ने योजनाएं लाई हैं, लोगों को उसका फायदा मिला है। दूसरी तरफ अब बीजेपी का यह कहना है कि नोटबंदी से अब फायदा जरूर हुआ है और जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हालांकि कुछ दिन हुई है, लेकिन अब तमाम जो लोग हैं इसका स्वागत कर रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि मायावती ने जो तमाम आरोप लगाए हैं उन आरोपों में आखिर दम कितना नजर आता है उन पार्टियों को जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। तो नोटबंदी का ऐलान पीएम का राजनीतिक स्वार्थ है, यह कहना था मायावती का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं पर भी आज उन्होंने निशाना साधा, यह कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव देखकर ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक स्वार्थ में नोटबंदी का ऐलान किया है। नोटबंदी का जिक्र बार बार हम देख रहे हैं कि लगातार किया जा रहा है और एक हथियार के तौर पर विपक्ष लगातार इसे अपना रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने सारी हदें पार की है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती ने आज आरोप यह भी लगाया है कि जांच के तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव से पहले तमाम जो जांच बिठाई गई थी, पहले आखिर बीजेपी कहां थी, क्योंकि पहले भी लगातार बीजेपी जांच बिठा सकती थी, कार्रवाई की बात कर सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। तो चलिए आपको फिर से सुनवाते हैं मायावती ने जो आरोप लगाए हैं विरोधियों का, उन पर क्या कहना है, क्या उनकी सफाई आई है, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में आरोप लगाने से पहले इस देश के संविधान और कानून पर भरोसा रखना चाहिए। अगर वो बेगुनाह हैं तो निश्चित रूप से कानून उनका सहयोग करेगा, अगर कोई गुनाहगार है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव 15 साल का जो सपा बसपा और कांग्रेस का कुशासन है बहन मायावती जी, उन्हीं मुद्दों को लेकर है, बिजली पानी सड़क सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था। ये चुनाव मोदी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल पर नहीं है, जब हमारा लोकसभा का चुनाव होगा तो बहन मायावती जी हम एक एक दिन की एक एक पाई का हिसाब किताब देंगे। लेकिन आप पूरी तरह से बौखलाहट में हैं, आपको इस बात का एहसास है कि आपकी जमीन नीचे से खिसक गई है, इसलिए हर दिन आप अनर्गल आरोप केंद्र सरकार पर लगाती हैं, क्योंकि आप नहीं चाहती कि इस देश के गरीब का उत्थान हो। मायावती जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि नोटबंदी देश के आर्थिक जगत के हित में नहीं है, इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो रोज़गार का हुआ है, नौजवान बेरोजगार हुआ है, गरीब आदमी बेरोजगार हुआ है और देश की आर्थिक प्रगति रुक गई है, जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है। ये कांग्रेस ने इस आवाज़ को उठाया था और मैं इसके पीछे एक गहरी साजिश देख रहा हूँ, इसे मैं शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला मानता हूँ। ये कैशलेस के जरिए जिस तरीके से कार्ड प्लास्टिक कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, पेटीएम की बात हो रही है, ये
एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। लोग तो विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं मायावती के आरोपों, बिल्कुल भी उनका कहना है कि दब नहीं है और बेबुनियादी आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत मैं करूंगा कृष्णकांत पांडे जी, अब ब्रेक से पहले सवाल यही था कि जिस तरीके से मायावती ने आरोप लगाया था, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वेंटिलेटर पर मायावती ने कांग्रेस को बताया है, यानी कि अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस अब किसी काम की नहीं रह गई है। पंत जी, मायावती जी पूरी तरह से बौखलाहट में हैं जी, और ऐसा प्रतीत होता है कि मायावती जी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी हैं। और जिस तरह से नोटबंदी के बाद उनकी अटैचियां वापस की गई उनके उम्मीदवारों को, और जिस तरह से आज सादगी से उनका जन्मदिन मनाया गया, यह मायावती जी के लिए दिल का दौरा पड़ने से कम नहीं है। मायावती जी को कांग्रेस वेंटिलेटर पर जरूर नजर आ रही है। अभी 2.5 साल पहले जब हम दिल्ली की सरकार में थे तब मायावती जी को कांग्रेस ही कांग्रेस सोते जगते हर जगह नजर आ रही थी। तो मायावती जी की बात को बात पर चर्चा करना ही कांग्रेस पार्टी अपना अपमान समझती है। दूसरी चीज, मायावती जी ने एक चीज और कहा कि ये जो है 60 साल में कांग्रेस ने किया क्या जी। इसके पहले भी ब्रेक की जाने से पहले मैं कह रहा था कि मायावती जी आज जिस स्थिति में बोल रही है, इतनी बड़ी चेयर पे बैठ के जिस तरह से लोगों को संबोधित कर रही है, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी देन है। अंबेडकर जी हमारे बहुत बड़े नेता थे, हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, 10 साल के लिए आरक्षण की बात कर रहे थे इन लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय कहा कि नहीं, 10 साल में इनकी गरीबी नहीं सुधर पाएगी, 10-10 साल जब तक इनकी स्थिति नहीं सुधरती है आरक्षण बढ़ाया जाता रहे। आज कांग्रेस की देन है कि यह आरक्षण है, आरक्षण के नाते रिजर्व सीटों पर लड़ती है ये लोग, जीतते हैं ये लोग, आरक्षण के नाम पर आज जो है कम से कम इनका विकास हुआ है, यह कांग्रेस की देन है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 4 बार के कार्यकाल में 5वें बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पागल सी हो गई है, यह 4 बार के कार्यकाल में केवल यह बता दे उत्तर प्रदेश की जनता को, इन्होंने और समाज की मैं बात ही नहीं करता, केवल यह हमारे आरक्षित भाइयों के लिए इन्होंने क्या किया, केवल यह बता दें ठीक है, 4 बार का इनका शासन काल रहा है, 4 बार में इनके मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, एक मिनट, नोटबंदी का ऐलान क्या पीएम का राजनीतिक स्वार्थ था? साबित हो चुके हैं जी। मायावती लगातार पहले भी आरोप लगाती रही, एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाया है, आपको लगता नहीं कहीं नुकसान न उठाना पड़ जाए बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि अब विरोधी एक हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार? कतई नहीं। और पंत जी मैं बताना चाहूंगा, मायावती जी की माया भी अपरंपार है। पिछले शासन काल में आपने देखा होगा उन्होंने जन्मदिन पे किस तरह का भव्य रूप से जन्मदिन नोटों की माला और सब चीजें उन्होंने पहनी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कौन सा आय का ऐसा साधन है कि जिससे उन्होंने अकूत संपत्ति, उन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति उन्होंने बना ली, अर्जित कर ली, वो कौन सा ऐसा साधन है आम जनता को भी बताए ताकि वो भी धनाढ्य हो सके। कौन सा ऐसा साधन है जिससे उनके भाई आनंद, उनके भाई के पास इतनी अकूत संपत्ति आ गई, वो खुलासा करें। आखिर वो उनकी सरकार जब रही तो घोटालों की सरकार रही, कानून व्यवस्था के मामले में भी वो फेल रही। प्रधानमंत्री जी ने जनहित में कार्य किए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना, आम नागरिकों को जोड़ने का कार्य, आम नागरिकों के विकास का कार्य, लगातार स्किल डेवलपमेंट का कार्य हो, रोजगार मुहैया कराने का कार्य हो, लगातार किया गया उत्तर प्रदेश सरकार को। प्रदीप सिंह बाबू साहब, मायावती जो नोटबंदी का आरोप एक बार लगाया है फिर से, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुआ क्या, ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है, सच्चाई आपको नजर आती है इसमें? कतई नहीं, दार नहीं आता। मायावती जी अपनी बौखलाहट में ही इस तरह की बात कर रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है, मेरा सवाल है ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, दिल्ली सरकार बनने जा रहे जी 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 जी। एक बार पंत जी फिर सवाल को दोहरा दीजिए। असर मायावती, जिस तरीके से मायावती ने आज ये आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर, उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी की जनता को अब तक सिर्फ लूटा गया है, नोटबंदी का उन्होंने जिक्र किया है, नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री का राजनीतिक स्वार्थ था, जिस पर मैंने सवाल भी किया था दिलीप श्रीवास्तव साहब से, उनका कहना था कि ये कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, देश के हित में लिया गया ये फैसला है, इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए मायावती अगर लूट का आरोप लगाती हैं तो ये बहुत हास्यास्पद है और निश्चित रूप से उनको इसका नैतिक हक नहीं है जी। मायावती ने अपने सरकार में
कितने काम अनैतिक किए हैं लूट के, ये पूरा इतिहास गवाह है। कम से कम मनोज मिश्रा हत्याकांड सिर्फ लूट के लूट का साक्षी है। एनआरएचएम घोटाले में कितने मंत्री इनके जेल में बंद है, कितने लोगों के लोकायुक्त के शिकायतें हैं, ये भी कम से कम इतिहास देखें। वो लूट के मामले में कम से कम मायावती इस चीज को न कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार लूट लूट कर रही है। ठीक है सर, ये उत्तर प्रदेश की जनता पर छोड़ दीजिए। नोटबंदी निश्चित रूप से कैसा कदम था, शुरुआत में भी हम लोगों ने कहा जनता को फायदा, शुरुआत में भी हम लोगों ने कहा। मैं माफी चाहूंगा, तीनों से बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। कृष्णकांत जी, दिलीप श्रीवास्तव साहब, प्रदीप सिंह जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जन्मदिन मायावती का है और उस दौरान मायावती ने तमाम आरोप लगाए, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि आज तक सिर्फ प्रदेश को लूटा गया है, विकास के कोई काम नहीं हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी विकास की करती है, धरातल पर वो कुछ भी नजर नहीं आता है। इस बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, क्योंकि सच